नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के इस खास बुलेटिन जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बाघेला। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में 6 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार से प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस द्वारा मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए लोक लुभावन घोषणा पत्र के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां भी चरम पर है। जनादेश के आज के अंक में आपकी संसदीय सीट से अंतर्गत हम बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में जारी गतिविधियों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चुनावी सुर्खियों के साथ। प्रदेश में की जा रही लोकसभा निर्वाचन की जोर शोर से तैयारियां। रीगा में संभागायुक्त ने ली चुनाव तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक। मतदान का महत्व और ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया से अवगत कराने प्रदेश में कई स्थानों पर चुनावी पाठशाला का आयोजन। युवा और ग्रामीण मतदाताओं को दिलाया जा रहा मतदान का संकल्प। इंदौर में महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। पार्श्वगायिका पलक मुछाल और पद्मश्री डॉक्टर जनक पल्टा ने महिलाओं से की लोकसभा निर्वाचन में मतदान की अपील। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। मतदाताओं का मिजाज जानने छिंदवाड़ा पहुंचा डीडी न्यूज। लोकसभा के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर भी होगा चुनाव। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर प्रदेश भर में जारी है रंगारंग स्वीप गतिविधियां। मंडला में मतदाता जागरूकता की रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र, तो खंडवा में मटका स्लोगन के जरिए बताया मतदान का महत्व। लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में संभागायुक्त अशोक कुमार भार्गव की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी अविनाश शर्मा, संयुक्त आयुक्त राकेश शुक्ला, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कमिश्नर रीवा संभाग ने निर्वाचन तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का लोकोत्सव है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निष्ठा से निर्वहन करें। कमिश्नर ने यह भी कहा कि सुगम मतदान की अवधारणा को साकार करने के लिए दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी प्रबंध समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने मतदाता जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से जनता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर रीवा संभाग के 3 संसदीय क्षेत्रों के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और रीवा जोन के आईजी, डीआईजी, जिला पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और चुनाव से जुड़े हुए सभी संबंधित संभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हमने आहूत की। समीक्षा बैठक में निर्वाचन की तैयारियों को लेकर जिलेवार प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कलेक्टर के द्वारा और सभी तैयारियों के संबंध में उनसे चर्चा की। हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। आचरण संहिता का सभी जिलों में हमारे जिलाधिकारी सख्ती से उसका पालन करा रहे हैं। चुनाव में लगने वाले सभी कर्मचारी, अधिकारी, वाहन और चुनाव सामग्री का आकलन हमने कर लिया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और जो एरिया डोमिनेशन की जो एक्टिविटीज है वो पूरे संभाग के सभी जिलों में चल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में भी पुलिस अधिकारियों के माध्यम से चर्चा की गई है। जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनके खिलाफ निरंतर जिला बदर की और अन्य जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। कहीं से भी किसी तरह की किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार हमारे पास नहीं है। हम स्वतंत्र, निष्पक्ष
और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह की स्वीप गतिविधियां संचालित हो रही हैं। बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में स्वीप प्लान के तहत मतदान केंद्र पर चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया गया। इन पाठशालाओं में आगंतुकों को निर्वाचन संबंधी कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता निभाने और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने के संबंध में शपथ दिलाई गई। जिले के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवा और आम जन मतदाताओं के लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने वोट की आहुति देने का संकल्प लिया और अन्य लोगों को भी इस पुनीत कार्य से जोड़ने के लिए उत्साह दिखाया। इस दौरान मतदाता जागरूकता विषय पर वीडियो चलचित्रों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसके माध्यम से लोकतंत्र की सशक्तिकरण में मतदान का महत्व प्रतिपादित किया गया। नरसिंहपुर जिले में भी स्वीप प्लान के तहत चुनावी पाठशाला और चुनाव चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनका तिलक वंदन किया और पीले चावल देकर ग्रामीणों को मतदान के लिए आमंत्रित किया। जिले के देवरी कला गांव में आयोजित चुनाव चौपाल में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव और मतदान के लिए संबंध में दी गई जानकारी को उत्साह के साथ सुना। चुनावी पाठशाला में मतदाताओं को निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस दौरान वीवीपैट और ईवीएम की कार्यप्रणाली से भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने भी लोकतंत्र के महोत्सव में मतदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। सब मतदाताओं को मतलब समझाया गया कि कैसे वोट डालना है कैसे नहीं, उन लोगों को सुझाव देना है। हम लोग को भी आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सब घर घर जाके निमंत्रण भी डालना है और उन लोगों को सुझाव देना है कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। मशीन के सामने अपन ने बटन को दबाना है, उसमें सिखाया गया है कि ऐसे करके वोट डालना है। अपनी पर्ची खुद सामने देखना कितना नंबर दबाया है आपने, सामने आएगा उसका। डालना है, मतदाताओं को जागरूकता करना है, चौपाल है, मतलब घर घर जाके महिलाओं को सभी को मतलब मतदाता डालने प्रेरित करना। स्वीप प्लान के तहत हम एक चुनाव पाठशाला का आयोजन जो है हर मतदान केंद्र पर कर रहे हैं। यहाँ पे मतदान केंद्र पे हम मतदाताओं को इकट्ठा करते हैं, उनको ईवीएम के बारे में जानकारी देते हैं, एथिकल वोटिंग के बारे में जानकारी देते हैं, पीले चावल देकर उनको मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोशिश हमारी ये है कि पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़े। इसके अलावा हम एथिकल वोटिंग के लिए यदि आचार संहिता के उल्लंघन की कहीं स्थितियां होती हैं तो मतदाताओं को सजग और जागरूक करने के उद्देश्य से उनको बता रहे हैं कि वो 1950 पे और जो सी विजिल ऐप है उसका उपयोग करके शिकायतें भी कर सकते हैं वो, ताकि जो है हमारी टीम बढ़े आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए। साथ साथ वोटर वेरीफाई का काम भी हमारे यहाँ चल रहा है, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से, 1950 के माध्यम से। सभी वोटरों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना खुद का वेरीफाई करें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नहीं है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में मंगलवार को बड़े पैमाने पर महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जनक पलटा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मतदान का बड़ा महत्व है।
उन्होंने कहा कि भारत में पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, इसलिए ये जरूरी है कि महिलाएं अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कार्यक्रम में देश की प्रख्यात पार्श्व गायिका पलक मुछाल ने गीत संगीत के माध्यम से उपस्थित महिलाओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के लोकोत्सव में अपने मत की आहुति जरूर दें। हमारी जो अपील है वो पूरी महिला शक्ति से है, और आज अपील करने से पहले इतना उत्साह जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। और हमें जो अपील करनी है वो यही करनी है कि हमें किसी के दबाव, प्रभाव, लालच या कोई और हमारा निर्णय नहीं ले जीवन का। ये वोटिंग जो है हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। भारत का संविधान जो है उसने हमें ये अधिकार दिया है। डेफिनेटली पॉजिटिव रहकर ही कोई काम किया जाना चाहिए, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि डेफिनेटली बनूंगा। सो जिस तरह आज वो घोषित करने वाले हैं कि मुझे एम्बेसडर बनाए हैं जनाब का, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में जा सकूँ पर्सनली अपना जाऊँगी। साथ ही साथ महिलाओं के मतदान बढ़ाने के लिए सिर्फ महिलाओं को जागरूक करना जरूरी नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी ये बात जरूरी है, क्योंकि अगर पुरुष महिलाओं को एनकरेज करेंगे तो आई थिंक मतदान अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर वो कहीं नहीं थी कि आज तुम खाना मत बनाओ, आज हम वोट करने चलते हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, बल्कि महिलाओं के मतदान को बढ़ाने के लिए पुरुषों को भी एनकरेज करना। महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन में इंदौर की जिला नोडल स्वीप अधिकारी नेहा मीणा ने लोकतंत्र में मतदान का महत्व प्रतिपादित किया। उन्होंने महिलाओं से व्यापक पैमाने पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा, उद्योगपति सुरभि मनोचा, एजीएम एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल, दिव्यांग स्वीप आइकॉन देशना जैन सहित कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं और कार्यक्रम को संबोधित कर महिला मतदाताओं को जागरूक किया। हमारा जो भारत का प्रजातंत्र है, जब से हम आजाद हुए हमारी औरतों को वोट देने का अधिकार है। वहीं अमेरिका जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो 200 साल पुरानी है, जब 200 साल से उनका प्रजातंत्र चल रहा है, वहां औरतों ने बहुत स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है कि वो वोट दे सके। तो अगर हमें जो हक यूं ही मिल गया हम उसको कुछ नहीं समझ रहे और गंवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमसे इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि इंदौर की हर महिला को आकर वोट करना चाहिए। आज इतनी सारी यहाँ आई हैं, ये पूरा हॉल भरा हुआ है। अगर उसके लिए दहलीज लांग सकती हैं, तो अपने इस हक के लिए तो बिल्कुल ही निकलेंगी और वोट करेंगी। महात्योहार यानी कि लोकसभा निर्वाचन 2019 जो कि इंदौर में सातवें चरण में 19 मई 2019 को, इसके लिए इंदौर प्रशासन द्वारा एक संकल्प लिया गया है, जिसे आप कह सकते हैं कि चुनौती भी ली गई है कि इस बार महिला मतदाता प्रतिशत पुरुष की तुलना में ज्यादा रहे। इसीलिए हमने एक ऑल विमेन स्वीप इवेंट का आयोजन करा है जो कि आज है, जिसमें हमने महिला वोटर्स की जो डिफरेंट श्रेणियां होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि कॉर्पोरेट से संबंधित है, कोई सीनियर वोटर है, कोई यूथ वोटर है, दिव्यांग वोटर है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं और एक ये बनाया निश्चय लिया है और दृढ़ संकल्प किया है कि आज ये सब जो भी आज वर्कशॉप में हिस्सा बनेंगे वही हमारे जो निर्वाचन से संबंधित कैंपेन होंगी उसके फ्लैग बेयरर्स होंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर हमारे विशेष सेगमेंट मेरा संसदीय क्षेत्र में हम हर संसदीय सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज बात होगी छिंदवाड़ा जिले की। महाराष्ट्र की सीमा से सटा ये जिला पातालकोट क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अरसे तक इस लोकसभा सीट से संसद तक पहुंच रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एक प्रमुख संसदीय सीट है। अपनी समृद्ध वन संपदा और विकास के मॉडल को लेकर खास पहचान रखने वाली छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर कांग्रेस का दबदबा है। छिंदवाड़ा से सांसद रहे
कमलनाथ इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश कांग्रेस की बागडोर भी संभाले हुए हैं। वहीं भाजपा के लिए छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर जीत हासिल करना हमेशा से एक स्वप्न साबित हुआ है। यह क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ सन 1980 से इस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। छिंदवाड़ा संसदीय सीट में 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौंसर, छिंदवाड़ा, पांडुरना और परासिया विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें छिंदवाड़ा, चौरई और सौंसर सामान्य वर्ग के लिए और अमरवाड़ा, जुन्नारदेव और पांडुरना अनुसूचित जनजाति और इसके साथ ही परासिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों का आकलन किया जाए तो कांग्रेस ने जिले की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर इस संसदीय सीट पर अपने दबदबे की बानगी दी है। शायद यही कारण है कि इस संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी के हौसले आज भी बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कुल 15,05,267 मतदाता हैं, जिनके लिए प्रशासन ने 1930 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिन्हें 233 सेक्टर्स में बांटा गया है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले में 83.9% मतदान हुआ था। प्रशासन ने इस बार 85% मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। और जो हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल हैं, ये भी कार्यवाही पुलिस और हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, इन सबके द्वारा कॉमन रूप से पूरा भ्रमण करके की गई है। और सेक्टर हमने अभी 233 बनाए हैं और चुनाव के लिए जो भी हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं लगभग वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस प्रकार हम लोग अपनी सभी कार्यवाहियों के लिए तैयार हैं। विगत विधानसभा चुनाव में हमारा 83.9% वोटर टर्नआउट रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हमारा 2014 में संपन्न हुआ था उसमें 79% था। तो हम लोगों ने अपना लक्ष्य 85% वोटर टर्नआउट रखने का हमने रखा है और उसको लेकर हमारे सभी जितने स्वीप पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से हम लोग कार्यवाहियां संपन्न करा रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पिछले कई सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, जिसके बाद भी क्षेत्र में बेरोजगारी सियासी पार्टियों का प्रमुख मुद्दा रहा है। इसके साथ ही जल समस्या भी यहां के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। पूरे जिले में कई औद्योगिक इकाइयों के बावजूद यहां युवा बेरोजगार हैं। बैनगंगा, पैंच और कन्हन नदियों की वजह से यहां खेती भी प्रमुख धंधा है, लेकिन कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं यहां के किसानों की प्रमुख मांग रही है। वहीं महिला मतदाता स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता से उठा रही है। चाहती हूँ कि महंगाई कम हो, गैस के रेट कम हो, निजी कॉलेजों स्कूलों में जो अंधाधुंध पैसे लिए जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। जैसे कि अभी एक कोर्स चलाया गया था NIOS, जो कि बहुत अच्छा कदम था, बहुत सारे टीचर्स उसमें ट्रेंड हुए हैं, लेकिन उसमें अभी जैसे 1 अप्रैल से नियम निकाला गया है 2019 से कि आगे वाले सत्र से नॉन डीएलएड टीचर्स आपके स्कूल में जॉब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये चाहती हूँ कि जैसा ये कोर्स चलाया गया था इसको बंद ना किया जाए। जैसे कंटिन्यू अगर ये कोर्स चलता रहेगा ऑलमोस्ट सारे टीचर्स कंटिन्यूसली ट्रेंड होते रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम का भी एक सलूशन निकल जाएगा। जनता के लिए कुछ प्रचार करे, गरीबों के लिए कुछ योजनाएं लाभ करे। हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। बस हम चाहते हैं कि गरीब को और आगे बढ़ाएं। 6,000 रुपये पर मंथ देंगे, 72,000 रुपीज़ पर ईयर देंगे, तो ये एक तो उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा, ऊपर से एज अ जैसे टैक्स पेयर है हम लोग, तो हमको टैक्स पेयर हमारा पैसा उठा के क्यों दिया जा रहा है? हमारा पैसा उठा के दिया जाए ना। आपको जो दूसरे कोई सोर्सेज है उसको बिल्डअप कीजिए, आपको जो इनकम आता है उससे ऐसा यूथ को रोजगार दीजिए, उससे प्रॉफिट होता है। सरकार तो यही चाहते हैं कि हमको लाभ होना चाहिए, वो लाभ मिल नहीं रहा। समय पे वो लावस्तु गिर गया, कोई ये हो गया, फसल नुकसान हो गई, तो उसमें कुछ फायदा थोड़ी होता है। बढ़िया रोड में है दुकान तो हम भटकते रहते हैं, कहीं भी इधर ले आते ठेला, कभी उधर ले आते ठेला, कभी पटकते हैं इधर हैं कभी उधर। तो हम चाहते हैं कि कच्छ हमारा बेरोजगार के लिए रोजगार दे दें गवर्नमेंट, अच्छी बात है। हम तो इतना समझते हैं कि हम दुकान लेके दुकान खोल सके कहीं भी।
छिंदवाड़ा में जहां एक ओर कई सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है, वहीं भाजपा कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे और वोटर्स की राय भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे, जिसे देखते हुए सभी को 29 अप्रैल का इंतजार है, जब लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेकर अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए मतदान करेंगे। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई, संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा। हम उनसे जानते हैं कि श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर छिंदवाड़ा में क्या नवाचार किए गए हैं? देखिए, हम लोगों ने स्वीप गतिविधि के अंतर्गत अभी 3 दिन पूर्व बोधगिरी नाम से एक फैशन शो का आयोजन किया था, जिसमें सभी युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता, महिला मतदाता, ट्रांसजेंडर मतदाता और छोटे बच्चों ने भाग लिया था और सभी ने उसका अच्छा लुत्फ उठाया और सभी ने ये प्रण लिया कि हम छिंदवाड़ा किसान 100% मतदान, हम सभी मिलकर के छिंदवाड़ा में अधिक से अधिक मतदान करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वीप गतिविधि में लेखन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, दीवार लेखन और ह्यूमन चैन इत्यादि अन्य नारों के आधार पर स्वीप गतिविधियां चला रहे हैं, जो निरंतर चल रही है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि छिंदवाड़ा पहले की तरह जो कि 80% से ज्यादा मतदान करता रहा है विधानसभा और लोकसभा में, वो अधिक से अधिक मतदान इस लोकसभा निर्वाचन 2019 और जो विधानसभा छिंदवाड़ा का उप निर्वाचन हो रहा है उसमें अधिक से अधिक मतदान करेंगे। श्रीनिवास जी, एक चीज देखी जाती है कि जिस तरह चुनाव नजदीक आते हैं तो मतदाता पर्ची को लेकर शायद हमारा संपर्क जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास शर्मा जी से टूट चुका है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और अब हम सीधे बढ़ते हैं चुनावी झलकियों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में विविध कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंडला जिले में चुनावों को लेकर नवाचार का दौर जारी है। मंडला के मोहगांव माल में रायसेन जिले में मतदाताओं के जागरूकता लाने के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया। मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। नरसिंहपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए आमंत्रित करने के लिए नवाचार के इस क्रम में पीले चावल देकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। भिंड नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इंदिरा गांधी चौराहे पर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से किया गया मतदाताओं को जागरूक। लोकसभा चुनाव में 100% चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में खंडवा में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने मटकों पर स्लोगन लिखकर किया जा रहा है जागरूक। बड़वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्यांग पहलवान ने अपनी प्रतिभा के जरिए लोगों के और चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे न्यूज रूम, डीडी न्यूज के न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह देखा जाए कि छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव और वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस तरह यदि देखा जाए तो क्या कुछ खास ये चुनावी सरगर्मियां वहां पर नजर आ रही है, और साथ में क्योंकि छिंदवाड़ा एक हाई प्रोफाइल सीट है और न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए भी इस सीट को काफी अहम माना जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ वहां की ताजा अपडेट आपके पास है? छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश के पहले चरण में देखो तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। इसके अलावा जबलपुर जो सीट है वहां पर भी मतदान होना है। तो ऐसे में अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं और इन सभी पर अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त भी मिली है। ऐसे में अगर इस पूरी सीट को देखा जाए तो 1980 से लगातार मध्य प्रदेश के हाल में मुख्यमंत्री जो हैं वो इस संसदीय सीट से चुनाव लड़ा करते थे और लगातार वो जीतते आए थे और अभी हाल ही में वो भी सांसद वहां से रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो एक प्रकार से उनका गढ़ भी कहा जा सकता है और कांग्रेस के लिए काफी मजबूत सीट है। लेकिन अगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में जो हालात हुए हैं या सत्ता पलट हुआ है उसके बाद। चलिए दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह देखा जाए कि छिंदवाड़ा में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं और इसके चलते काफी उठा पटक वहां पर चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए काफी तैयारियां वहां पर करके रखी हुई है। और जनादेश विशेष बुलेटिन में अब वक्त है फटाफट अंदाज में 3 मिनट में चुनाव से जुड़ी 10 खबरों को देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में चुनाव सभा को किया संबोधित, कहा कि बंगाल ने दी है नए भारत को दिशा। पीएम ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में किया चुनावी रैली को संबोधित, कहा कि लोगों के पास अच्छी सरकार के लिए वोट देने का है मौका ताकि राज्य में आ सके खुशहाली। मध्य प्रदेश की 6 सीटों समेत 8 राज्यों की कुल 71 सीटों के लिए जारी हुए चौथे चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना 29 अप्रैल को डाले जाएंगे चौथे चरण के चुनाव के वोट। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी हुआ शुरू। प्रदेश भर में जोर शोर से की जा रही है लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां। रीवा में निर्वाचन तैयारियों को लेकर संभाग आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, चुनाव के संबंध में दिए जरूरी निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी करने के बाद से चुनाव सरगर्मियां जोरों पर। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हर वर्ष 20% गरीबों को न्याय योजना के तहत 72,000 रुपए देने का किया है वादा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा भारत को कमजोर करने वाला है कांग्रेस का घोषणा पत्र। इंदौर में महिला मतदाता जागरूकता को लेकर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पद्मश्री डॉक्टर जनक बल्टा सहित शहर की महिला उद्यमी सहित गणमान्य महिलाओं ने की लोगों से मतदान करने की अपील। इंदौर में हुए महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में पार्श्व गायिका पलक भुचाल ने गीत संगीत के माध्यम से किया मतदाताओं को प्रेरित। अपने गाए हुए फिल्मी गीत और मतदाता जागरूकता से जुड़े गीतों की पेश कर बताया मतदान का महत्व। सेफ प्लान के तहत प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता गतिविधियों का सिलसिला जारी। सागर में मतदान का महत्व बताने चुनावी पाठशाला की गई आयोजित। ईवीएम और वीवीपैट की कार्य प्रणाली से कराया गया युवाओं का अवगत। और शेड्यूल में स्वीप प्लान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही घर घर जाकर मतदाताओं को प्रेरित। संभाग आयुक्त शोभित जैन ने ग्रामीणों को दिलाई मतदान करने की शपथ। तीन मिनट 10 खबरों में बस इतना ही और बुलेटिन के आखिर में चुनावी सुर्खियां एक बार फिर। प्रदेश में की जा रही लोकसभा निर्वाचन की जोर शोर से तैयारियां। रीवा में संभागायुक्त ने भी चुनाव तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक। मतदान का महत्व और ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया से अवगत कराने प्रदेश में कई स्थानों पर चुनावी पाठशाला का आयोजन। युवा और ग्रामीण मतदाताओं को दिलाया जा रहा मतदान का संकल्प। इंदौर में महिला मतदाता जागरूकता सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन। पार्श्व गायिका पलक मुछाल और पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा ने महिलाओं से की लोकसभा निर्वाचन में मतदान की अपील।
छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला। मतदाताओं का मिजाज जानने छिंदवाड़ा पहुंचा डीडी न्यूज। लोकसभा के साथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर भी होगा चुनाव। और लोकसभा लोकतंत्र के महापर्व को लेकर प्रदेश भर में जारी है रंगारंग स्वीप गतिविधियां। मंडला में मतदाता जागरूकता की रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र, तो खंडवा में मटका स्लोगन के जरिए बताया जा रहा है मतदान का महत्व। तो लोकसभा चुनावों को लेकर हमारे इस खास जनादेश बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और चुनावी हलचलों के साथ पुनः मुखातिब होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।